हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। आज एक नया टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ, वो है इन्वर्टर फील्डिंग मशीन। तो इसका हम रिपेयर कर लिया है, रिपेयरिंग वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम के वजह से कर नहीं पाए। तो इसका क्या प्रॉब्लम था, इसका मॉसफेट ये दो वाला चारों मॉसफेट खराब थी, तो हमने नया लगाया। तो मॉसफेट लगाने के पहले आप लोगों को क्या चेक करना है, जो मॉसफेट लगाने के बाद न्यू मॉसफेट लगा दिया, लगाने के बाद ये चलेगा या नहीं चलेगा, उसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है। पहले में आपका यहाँ पर रीडिंग चेक करना पड़ता है मॉसफेट की, ड्रेन टू सोर्स, सोर्स टू ड्रेन, ऐसे ही गेट ड्राइव रीडिंग चेक करना पड़ता है। और उसके बाद आपको क्या चेक करना है, ये जो दो पॉइंट है इसमें ड्राइव वोल्ट चेक करना है 25 से 30 तक। वो आपको डिजिटल मीटर में नहीं शो करेगी, उसके लिए आपको एनालॉग मीटर चाहिए। ये वाला मीटर में शो नहीं करेगी, ये वाला मीटर में भी शो नहीं करेगी, ये वाला मीटर में भी शो नहीं करेगी। उसके लिए कौन मीटर चाहिए, उसके लिए ये वाला मल्टीमीटर चाहिए। ठीक है, इस एनालॉग मल्टीमीटर से आपको यह एसी 25 से 30 वोल्ट चेक करना है। किसी किसी पीसीबी में आपको मिलेगा 15 एसी वोल्ट मिलेगा, वो भी चलेगा। ठीक है, ज़्यादातर 25 से 30 तक यहाँ पर ड्राइव वोल्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो आपको ये सेक्शन में काम करना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करना है, और आपको अच्छे से इसका गेट ड्राइव जो रीडिंग है मॉसफेट डालने से पहले वो चेक कर लेना है। और ये साइड में जो डबल डायोड है, ठीक है, ये डबल डायोड खराब होने की वजह से भी आपका मॉसफेट उठ जाती है। ये जो डबल डायोड है इसको अच्छी तरह से बारी बारीकी से चेक कर लेना है। ठीक है, इसमें ज्यादातर खराब होती है आपका मॉसफेट, कैपेसिटर और ब्रिज। ठीक है, ये माइक्रो कार्ड में बहुत ही कम ही फॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो आपके पास जब भी ये रिपेयर होने के लिए आएगी, घबराने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, आप फिलहाल इसको अच्छी तरह से देखिए, ये बहुत ही रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसान है। तो इसको अभी हम कवर में फिट करेंगे, उसके लिए थोड़ा पुश कर रही हूँ क्योंकि आज वीडियो शूट करने के लिए कोई नहीं है, अकेला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए पुश कर रही हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमने इसको फिटिंग कर लिया है। तो आप सबसे पहले फिटिंग करने के बाद जब आप चेक करोगी तो इसको क्या करोगी, डीसी लाइन में आपको सीरीज लाइन में चेक करना है। तो हमने सीरीज लाइट ऑन कर दिया, यहाँ पर रिले भी ऑन हो गया, यहाँ पर मीटर भी पंखा भी चलने लगा। ठीक है, अभी मैं आपको, तो आप देख रही हो ये हमारा चालू हो गई है। तो मैं आपको वोल्टेज मेजर करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी ये हमारा 50 वोल्ट पे है। तो देखिए, देखिए हमारा कांटा 50 वोल्ट पे उठ गई है। ठीक है, अब देख सकते हो हमारा वोल्टेज भी आउटपुट कर रही है, इसका मतलब ये सही हो गई है। ठीक है, तो इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन में पूरे डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप लोगों को तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए जो पूरा डिटेल में आपको वीडियो चाहिए, वो भी मिल जाएगा। ठीक है,